यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। आप लोगों के क्लास शुरू हो चुकी है, फटाफट सारे लोग आ जाओ। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ। जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ऐप पे, जो भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे हैं, जितने भी आए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, सभी का स्वागत है। बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, आज डे 7 है हमारा करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस का। आप पहले के जो क्वेश्चंस हैं, पहले के सेशंस निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। मैं आप लोगों को बता दूँ, आज शुरू करने से पहले एक अपडेट है, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि सर थोड़ा सा समय रह गया है, बिल्कुल भी हम कसर नहीं छोड़ना चाहते, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के अंदर जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए, जो भी आपने देखा है अपने कॉलेजेस, अपने कोर्सेज को लेकर। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास यहाँ पर मदद पहुँच जाएगी पूरे प्रोसेस के अंदर, एडमिशन प्रोसेस में। कहीं पर भी डाउट है, इस नंबर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपडेट सुने, शुरू करते हैं क्लास को, आ जाओ। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं करंट अफेयर से शुरू कर रहा हूं, जैसे हमारी क्लास चलती है इसके बाद हम स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ह्यू इनॉग्रेटेड 10,000 जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र एट एम्स दियोगढ़, एट एम्स दियोगढ़, ठीक है जी। आप जानते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये हमारे पास बड़ा ही फेमस एक रिसर्च होती है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है ये, ठीक है ना, रिसर्च मेडिकल फैसिलिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, जितना भी मेडिकल फील्ड में हो सकता है सब कुछ है। ऐसे ही एम्स जो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली वालों और जगह पे भी है, ठीक है जी। किसने एम्स 10,000 जन औषधि केंद्र को लॉन्च किया, 10,000वें जन औषधि केंद्र को लॉन्च किया, कहाँ पे, एम्स दियोगढ़ में। कौन है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी हैं। फोटो देख के काफ़ी सारे बच्चों ने इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, आई थिंक समझ गए हैं इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट को कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। आप लोगों के, मेरे पास ये क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद रहे ना रहे, आप लोगों के पास ज़रूर रहने चाहिए। मैं और हमारी टीम बैठ के एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से सारे क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर छोड़ोगे तो क्लास में आने के बावजूद भी क्लास का पूरा फायदा नहीं ले पाओगे, ठीक है जी। चलो, नोट डाउन करो या फिर आप स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी आप कर सकते हैं। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, इंडियन नेवी डे, नेवी सब लोग जानते हैं ना, हमारी जो जल सेना है, ठीक है ना, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर तैनात रहती हैं, हमारी कंट्री को और हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वॉर के टाइम पे भी यहाँ पर, जब कहीं पे भी वॉर हो, नेवी से हमको असिस्टेंस अगर चाहिए तो मिल सकता है, ठीक है ना। इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है हमारी। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, आंसर है 4th of December, 4th of December को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है जी, समझ गए। आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर थोड़ा गलत बताया, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास जब भी क्वेश्चंस डेट पे बेस्ड होते हैं तो डेट्स को एग्जैक्टली याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हो जाएगा। आ जाओ, व्हाट इज द नेम गिवन टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आप सभी लोग जाते हैं, हमारा इंडियन पेनिनसुला है, इस तरफ हमारी नॉर्थ ईस्ट हमारे पास स्टेट्स हैं और यहाँ पर हमारा गुजरात है। तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ, यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर अभी हमारे पास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है ना, एक तूफान जो है आया है, रिसेंटली बना है, क्या नाम है उसका, यही हमसे पूछ रहा है, इसका नाम है साइक्लोन मिचुआंग, इसका नाम है साइक्लोन मिचुआंग, ठीक है जी, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है भाई। साइक्लोन वगैरह के बिल्कुल नाम होते हैं, आपको लग रहा है सर हमारे नाम होते हैं इंसानों के, तो होते हैं साइक्लोन के भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, साइक्लोन के भी होते हैं। आप लोगों के लिए, अभी 12वीं क्लास से बाहर निकले हो, ठीक है, और आपको लग रहा है सर दुनिया में क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है, हाँ जी साइक्लोन के नाम भी होते हैं, परेशान बिल्कुल ना होइए, और याद भी करने पड़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन ने, देखो, विच कंट्री रिसेंटली एक्सपीरियंस द इरप्शन ऑफ मरापी वोल्केनो, मरापी वोल्केनो इसका इरप्शन हुआ है उस कंट्री में। वल्केनो आप जानते हैं, इस तरीके के चट्टान होते हैं बड़े बड़े, वल्केनो यानी कि लावा उनके अंदर, है ना, भरा होता है, और कभी कभी इतना प्रेशर उनके अंदर हो जाता है कि वो जो लावा है वो बाहर आ जाता है, मूवीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है जी। चलो, असलियत में तो कभी ना ही देखना पड़े तो ये अच्छी बात है, ठीक है जी।
बड़ा नुकसान होता है इससे। हमारा भी वॉल्केनो है जो कि रिसेंटली अभी एक्सप्लोड हुआ है, इरप्शन हुआ है उसका, कौन सी कंट्री के अंदर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ठीक है, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज में से आता है इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है इंडोनेशिया के, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं साइड हट जाता हूँ तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विच फिनटेक फर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी सर्विस? विच फिनटेक फर्म, फिनटेक का मतलब सब जानते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी सर्विस? साइन लैंग्वेज वीडियो बेसिकली जो साइन लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने मुंह से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना, किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज एक होता है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन लैंग्वेज वीडियो है बेसिकली, ठीक है ना, KYC नो योर कस्टमर वाली जो सर्विस है उसके अंदर भी जो लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो इजीली उस सर्विस को अवेल करा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उसका बाद में उपभोक्ता उसके बन सकते हैं, ठीक है। कौन सा फिनटेक फर्म है जिसने शुरू करा है? ये है अमेजन पे, ये है अमेजन पे, ठीक है जी। बहुत बारी सर ये क्रिएटिव चीज़ें और इनोवेशन वाली जो चीज़ें हैं, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग लोगों के लिए जो इनोवेशंस की जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं, वो बहुत बड़ी 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 कंपनीज के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि अमेजॉन, ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? सर ये क्या है? ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब है भाई हमारे पास कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोग बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत लोगों का चल भी जाता है, बहुत लोग डूब भी जाते हैं, इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उनके पास एक्चुअली कुछ नहीं बचता। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जी मेरे पास एक रुपये की भी प्रॉपर्टी, एक रुपये का कैश मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, मैं खाना बड़ी मुश्किल से खा पा रहा हूँ। बैंक्रप्ट हो जाती है, लोग भी हो जाते हैं, कंपनी भी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी भी लोगों के पास आ जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको कर्जे में इतना आ जाते हैं कि किसी ना किसी को तो पैसा देना पड़ता है, उनको पैसा देना होता है, कर्जे में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं उनको पैसा देने के बाद इनका पैसा नहीं है, तो अब माना कि बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों से पैसे लेने वाले जो लेनदार हैं वो इनकी बड़ी बुरी हालत कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है कि चलो भाई जो भी हुआ आपको कम से कम जीने का अधिकार तो है, तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इसीलिए ये जो हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इसी चीज़ का ध्यान रखता है। समझ में आया? सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। Who has been appointed as a new executive director? इसके new executive director कौन है? इसके new executive director कौन है? यही question है। ये है जितेश जॉन। इनका नाम है जितेश जॉन। ठीक है जी? समझ आया नहीं आया? ये है जितेश जॉन। आगे बढ़े। Screenshot ले लो फटाफट। Screenshot बहुत जरूरी है जी। उसमें कंजूसी नहीं करनी। आगे बढ़े। Next question देखो। हाँ जी। ये देखो अब क्या कह रहा है मुझसे question। क्वेश्चन कह रहा है विच कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक्टिव वन विद 100% रिटर्न्स? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट एक्टिव वन विद 100% रिटर्न्स? कौन सी कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिव वन, जो कि 100% रिटर्न्स, यानी कि आपके पास पूरी तरीके से आपका पैसा वापस लौट के आ जाएगा 100% रिटर्न्स, ठीक है जी, एक समय के बाद अगर आपके पास उस तरीके की चीज़ें या फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो। कौन है भाई? मैंने बताया था इस तरीके की इनोवेटिव चीज़ें हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज ही लॉन्च करती है, जैसे कि आदित्य बिरला हेल्थ। समझ गए जी? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन देखो, हु रिसेंटली अचीव द टाइटल ऑफ इंडियाज थर्ड फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर? इंडिया के थर्ड फीमेल फीमेल हैं, इंडिया की थर्ड फीमेल चेस की ग्रैंड मास्टर है, चेस के अंदर ग्रैंड मास्टर आप जानते हैं, ठीक है ना। चलो कौन है भाई, किसने जीता है ये मैं आपको बता दूं। इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। इसका आंसर है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है जी, समझ में आई बात। इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, ये इंडिया की थर्ड फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? कौन से स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है हमारे पास नागालैंड में, हमारे पास नागालैंड के अंदर बनाया जाता है। याद रखना, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्यों ज़बरदस्त है? आपके पास इंडिया के जो स्टेट्स होते हैं उनके, मैं फिर बता देता हूँ,
फेस्टिवल्स, फोक डांस, उनका म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक हो गया उनका, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के पास हमेशा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है जी, नागालैंड है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग 3 स्टार में लगा देता हूँ, आप 5-6 लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बस इतना है। ठीक है जी, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ देखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने का प्रोसेस आप सभी जानते हैं, भारत में ही इसका ओरिजिन हुआ है। हमारे योग सर्विस, हमारे पास जो योगा होता है, योगा प्रैक्टिस है, उसके अंदर भी ध्यान लगाने के लिए बताया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, स्वामी विवेकानंद से लेके इंडिया के बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो हमेशा हमेशा मेडिटेशन के बारे में बात किया करते थे, मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस समझाया करते थे। और इंडिया वालों ने समझा हो ना समझा हो, बाहर के लोगों ने समझा है और इसी इस पर $1 बिलियन की कंपनीज बनाई हैं। लेकिन अब भारत भी अपनी जो धरोहर है उसको पहचान रहा है, ठीक है ना, उसी का एक रिजल्ट आप देख रहे हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेट करा गया है, कहाँ पे? इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। समझ में आई बात? हमारे भारत के अंदर इनॉग्रेट किया गया, याद रखेंगे इस चीज़ को। मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दिया इसके बारे में ताकि आपको याद हो सके। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम पंगाल हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरी। भाई अंतिम पंगाल जो है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे तभी इनके ऊपर क्वेश्चन बना है, ये कौन सी कैटेगरी, वेट कैटेगरी के अंदर है, बताया ना, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये है भाई फ्री स्टाइल 53 kgs। मैं बता दूँ, ये रेसलर हैं और हिसार तो नहीं पूछेगा, पर हरियाणा पूछ सकता है आप लोगों से कि कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, फ्री स्टाइल 53 kg के अंदर ये रेसलिंग करते हैं, स्पोर्ट्स जो हैं जिससे रिलेटेड हैं, दैट इज़ रेसलिंग, ठीक है। और अंतिम पंघाल आपको नाम से ना समझ में आ रहा हो, बट ये एक फीमेल है, याद रखेंगे, ठीक है जी। ये सारी बातें आप लोगों के पास अब पहुंच चुकी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जी ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो जी आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट रिसेंटली लॉन्च। इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। सोलर इलेक्ट्रिक बोट का मतलब क्या है भाई? सोलर इलेक्ट्रिक बोट का मतलब है एक बोट जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैसे होती है? सोलर वे से, यानी कि सूरज की जो धूप पड़ती है तो वो चार्ज हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन समझिए, इंडिया की फास्टेस्ट है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है? अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इसलिए आपके पास न्यूज़ में है। इसका नाम है बाराकुडा, ठीक है जी। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है और आपके पास करंट अफेयर्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए जी, समझ गए, आगे बढ़े फटाफट, स्क्रीनशॉट लो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, विच यूनियन टेरेटरीज लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व अलॉन्ग विथ गोवाज लिबरेशन डे। अच्छा, पिछले वाला जो क्वेश्चन था इसका मैं आंसर देख रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों का आंसर इसका सही था, ठीक है जी, काफ़ी सारे बच्चों का इसका आंसर सही था। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ईजी क्वेश्चन वो नहीं था और पर इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी और डिफिकल्ट भी, तब भी आप लोगों ने सही दिया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जी, कौन से यूनियन टेरेटरी का लिबरेशन डे ऑब्जर्व होता है गोवा के लिबरेशन डे के पास। गोवा के लिबरेशन डे के साथ साथ कौन सी यूनियन टेरेटरी का जो लिबरेशन डे है वो सेलिब्रेट होता है। लिबरेशन यानी कि आज़ादी, ठीक है ना, आप लोग सब जानते हैं हमारे पास जो भारत रहा है, हमारा प्यारा भारत, ब्रिटिशर्स हो गए, बाहर के टर्की से या लोग आते थे या अफगानिस्तान से जो सुल्तान आते थे, उन्होंने हमारे देश को बहुत ज़्यादा गुलामी में, ठीक है ना, कॉलोनाइज, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं वो काफ़ी कॉलोनाइज रहे हैं। जैसे जो गोवा था, गोवा बेसिकली बहुत ज़्यादा पोर्चुगीज़ लोगों के कंट्रोल के अंदर था, ठीक है ना। तो गोवा के लिबरेशन डे के साथ साथ कौन सी यूनियन टेरेटरी का लिबरेशन डे मनाया जाता है, मैं आपको बता दूँ, ये है दमन एंड दीव, ठीक है जी।
ये है दमन एंड दीव। आगे बढ़े, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस 2023। कौन सा जो नेशन है, इट वॉज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस इन 2023। यानी कि मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई आप लोगों के पास कौन सा जो कंट्री है जिसके अंदर रेमिटेंसेस, यानी कि बाहर की कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंट्री के अंदर आता है, उसकी बात हो रही है। क्या है आंसर इसका? USA, यानी कि अमेरिका। याद रखेंगे इसका जो आंसर है मेरे पास वो क्या है भाई? USA आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच एडिशन ऑफ द कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज दिस ईयर। इस साल कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल कौन सा एडिशन इसका बनाया गया? कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में आप लोगों को बता दूं, इस फेस्टिवल के अंदर फॉरेस्ट, यानी कि आप जानते हैं बच्चे, फॉरेस्ट के अंदर फ्लोरा फौना एनिमल्स, हमारे पास प्लांट्स, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स और प्लांट्स ट्रीज से हमारे पास इकोसिस्टम से हमको क्या नहीं मिलता है। एक एक जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा, वो पूरी तरीके से नेचर के अंदर, नेचर का बैलेंस बनाने के अंदर पूरी तरीके से सक्षम है। और साथ ही साथ में वो लोग हैं, पेड़ पौधे फ्लोरा फौना हैं तो हम लोग हैं। इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए, इसी चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, और ताकि हमेशा हमेशा जो है हमारे पास फ्लोरा फौना फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बना रहे कंट्री के अंदर, वो डिप्लीट ना होता रहे, इसके ऊपर यहाँ पर बातें होती हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज एंड साथ ही साथ में डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है जी। विच एडिशन ऑफ कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज दिस ईयर। इस साल ही हुआ है कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल, ठीक है ना। एडिशन कौन सा? पहली बार हुआ है, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था। फर्स्ट टाइम हुआ ये, याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज वॉज होस्टेड इन विच स्टेट। अस्त्र शक्ति हमारे पास एक एक्सरसाइज हुई है भारत के अंदर, ठीक है ना। होस्टेड कौन से स्टेट ने इसको होस्ट करा, कौन से स्टेट के अंदर ये हुआ था? आंसर इसका आंध्र प्रदेश है। अस्त्र यानी कि वेपन शक्ति यानी कि पावर। हमारे पास जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, जो भी हमने खुद इंडिजिनसली कंट्री के अंदर डेवलप करे हैं या फिर किसी बाहर की कंट्री से हम लोगों ने इम्पोर्ट करवाए हैं, खरीदे हैं वहाँ से, उसको जब हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको बेसिकली एक्सरसाइज में लाती है, अपनी एक्सरसाइजेस के साथ साथ में उन जो इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनको देखती है कि वो किस तरीके से प्रॉपरली चलाए जाते हैं, किस तरीके से उनको वॉर के अंदर उतारा जा सकता है। तो दैट इज़ वाई उनको उन सभी चीज़ों को एक बार यूजेज के अंदर ला के चला के सब चीज़ों को देखना पड़ता है, ताकि वो भी यूज टू हो जाए और उनको पता चल जाए अगर किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट है तो, या फिर और दे नीड सम बेटर इक्विपमेंट्स एंड दे नीड सम बेटर रिसर्च टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर स्पेस फॉर बेटर डिफेंस वेपन्स, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरीके की एक्सरसाइजेस का मोटिव होता है। कहाँ पे हुआ है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर। याद रखेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे गुजरात नहीं है इसका आंसर, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे जो बच्चे हैं इसका आंसर जो है गुजरात दे रहे हैं, पर गुजरात इसका आंसर नहीं है बिल्कुल भी, इसका आंसर आंध्र प्रदेश है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है जी। बाकी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे हैं बड़ी देर से आंसर बहुत सही दे रहे हैं, मुंडे ते कुड़ियाँ सभी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कोई पीछे नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और अगर गलत हो रहा है तो देखो घबराओ मत, आप लोग सीखने आते हो, आंसर सही दो या गलत दो, मैंने आपको पहले भी बोला है दोबारा बोलूँगा, सही दोगे तब भी आंसर याद रहेगा, गलत दोगे तब भी आपके पास आंसर याद रहेगा। हाँ जी बिल्कुल याद रहेगा, लाइव क्लासेस का यही फ़ायदा है, आंसर्स दो, आप लोग आंसर दोगे क्वेश्चन पर रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे और क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने निकलते रहेंगे, ठीक है, आप किसी ना किसी तरह मेहनत कर रहे हो, बट आप सेशन में पूरी तरह आओ, मैं चाहता हूँ आके बैठे ही हो तो पूरी तरह आ जाओ, आंसर्स दो, ठीक है जी। चलो आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चेक करके देख लेना, किसी भी क्लास में आप हमारी लाइव क्लास के अंदर आना, आप आंसर्स देना एक बार, जो भी आपको लगता है आप आंसर्स देना, फिर आप बाद में देखना उस क्लास में जिसमें आपने आंसर्स नहीं दिए और उस क्लास में जिसमें आपने आंसर्स दिए हैं, उस क्लास में आपको ज़्यादा याद रहेगा जिसमें आपने आंसर्स दिए हैं एज कम्पेयर टू द क्लास जिसके अंदर आप सिर्फ बैठे हुए थे। चलो जी, विच टीम वॉज द रनर अप एट विजय हजारे ट्रॉफी 2023। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जो है भाई 2023 के करंट अफेयर भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हटाने नहीं है उनको, मेनली नवंबर, दिसंबर
2023 नवंबर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर वो पीछे जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अक्टूबर के तक जा सकता है, अक्टूबर 2023 से पहले के क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। चलो जी, विच टीम वॉज द रनर अप एट विजय हजारे ट्रॉफी 2023। विजय हजारे जो ट्रॉफी है 2023, इनका रनर अप, रनर अप का मतलब क्या होता है, जो भाई सेकंड आता है, आप जानते हैं भाई फाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर एक तो विनर हो जाता है और जो है भाई वो दूसरा जो है वो लॉस्ट कर जाता है। तो हमारे पास जो विनर होता है वो तो विनर होता ही है, फर्स्ट पोजीशन जो लॉस कर जाता है वो सेकंड आता है, उसी को हम रनर अप कहते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। कौन है विजय हजारे ट्रॉफी का, विजय हजारे ट्रॉफी का जो रनर अप है वो है राजस्थान, याद रखेंगे राजस्थान इसका आंसर है मेरे पास। अच्छा, फर्स्ट कौन आया है ये भी याद रखना है भाई, सेकंड पूछ सकते हो तो फर्स्ट भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे जो विनर था इसके अंदर वो है हरियाणा, वो है हरियाणा। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसके बारे में समझ लो, मैं आपको बताया तो बच्चे क्रिकेट, क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के अंदर ये ट्रॉफी दी जाती है, इस चीज़ का आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। विनर वॉज हरियाणा, विजय हजारे ट्रॉफी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इसमें फर्स्ट आया, कौन ये ट्रॉफी जीता, या फिर विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। चलो जी, राजस्थान इसका आंसर है, मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट भाई, स्क्रीनशॉट लो और अपनी तैयारी को, अपने क्वेश्चंस को पक्का करो। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट देखो, हाँ जी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मुझसे, रूबेन अजर वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू इजरायली एम्बेसडर टू विच कंट्री। भाई हम आप लोग जानते हैं कि राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स, हमारे पास मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, आप जब दूसरी कंट्री में अंदर जाएंगे, मान लीजिए आपके साथ कोई बात हो जाती है, कोई इनजस्टिस हुआ है, या फिर आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एम्बेसीज के अंदर जाके, इंडियन एम्बेसीज के अंदर जाके उन बातों को बता सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको उस कंट्री से, आप अपनी कंट्री इंडिया वापस जाना चाहते हैं, तब भी आप ये चीज़ें बता सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, ये जो नाम दिया हुआ है रूबेन अजर, ये इजरायली एम्बेसडर है, कौन सी कंट्री के, इसराइल इनको अपॉइंट कर रहा है, कौन कौन सी कंट्री के अंदर, मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा है, लेकिन साथ साथ में मैं आपको बता दूं, भूटान, तीन कंट्री के इसराइल ने एक ही एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिनका नाम है रूबेन अजर, ठीक है जी। तो इसका आंसर मेरे पास बोथ ए एंड बी आ जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, नाम याद रखेंगे एम्बेसडर का, रूबेन अजर है, आ सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ गए, अप्रोच समझ गए क्या होता है, पीछे का थोड़ा समझाया मैंने आप लोगों को कि भाई एक्चुअली एम्बेसडर्स वगैरह का किस तरीके से काम होता है, कैसे आप लोग जो है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, इसका आंसर बच्चों ने इंडिया दिया है, इंडिया बच्चे सही है, बिल्कुल सही इंडिया है, पर आप देखो लास्ट में ऑप्शन है बोथ ए एंड बी था, बोथ ए एंड बी भी था, इसके अंदर इंडिया और श्रीलंका दोनों होगा, इसीलिए बोथ ए एंड बी हमारे पास होगा। इस ऑप्शन के अंदर अगर भूटान भी आ जाता तो बोथ ए बी एंड सी हो जाता, पर आप लोग याद रखेंगे कि भाई इंडिया, श्रीलंका और भूटान, ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, आप लोगों को याद है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि भूटान हमको पता है। चलो या देखो जी, इंडिया इज ऑपरेटिंग अ रिसर्च बेस इन आर्टिक रीजन नेम्ड हिमाद्री सिंस विच ईयर। इंडिया जो है एक रिसर्च बेस कहाँ पे, आर्टिक रीजन, आर्टिक रीजन क्या है भाई, आर्टिक रीजन ये देखो जी, हमारे पास जो अर्थ है ना, अर्थ में यहाँ पर इस तरीके से ये नॉर्थ पोल है, हाँ जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा टेढ़ा ही है, बिल्कुल सीधा नहीं है, याद रखेंगे, ये मेरे पास साउथ पोल है, यहाँ पर जो मेरे पर रीजन है ना, ये जो रीजन है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना, लाइफ भी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कटती है लोगों की, पहली बात तो लोग ज़्यादा रहते ही नहीं हैं यहाँ, ठीक है जी, जो जानवर रहते हैं उनकी बड़ी ज़िंदगी मुश्किल रहती है। यहाँ पर साउथ पोल के पास ये है एंटार्कटिक, एंटार्कटिक रीजन, एंटार्कटिका भी बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया जो है एक रिसर्च बेस चला रही है, कहाँ पे भी, आर्कटिक रीजन के अंदर, जिसका नाम हिमाद्री है। इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं बता दूँ, जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई आर्कटिक रीजन में इंडिया के रिसर्च बेस का नाम क्या है। चलो जी,
लेकिन यहाँ पे हिमाद्री तो दे दिया, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से साल से, कौन से साल से इंडिया ऑपरेट कर रहा है यहाँ पर हिमाद्री रिसर्च बेस में, वो आंसर है 2008, वो आंसर है 2008। हमेशा जो एक्सट्रीम रीजन्स होते हैं, एक्सट्रीम रीजन्स होते हैं, यहाँ पर इंडिया और बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, ठीक है ना, वो हमेशा क्या करती हैं, अपने रिसर्च बेसिस को वहाँ पर तैनात करती हैं, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोग ले लिया होगा, मैं साइड हट गया था भाई, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया कीजिए आप लोग प्लीज़। हाँ जी, यहाँ देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द बुक नीलावू कुड़ीचा सिम्हांगल, ठीक है, आई थिंक साउथ का ये नाम है, साउथ में नाम है थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे इसलिए शायद हमको प्रोनंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। द बुक नीलावू कुड़ीचा सिम्हांगल, आई थिंक मैं ठीक बोल रहा हूँ, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी है वो मैं आपको बता दूँ, ये है एस सोमनाथ, ये है एस सोमनाथ, और ये जो एस सोमनाथ है बच्चों मैं आपको बता दूँ, एस सोमनाथ हमारे करंट हेड या चेयरमैन आप बोल लीजिए ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपने इनको टीवी पे भी देखा होगा, ठीक है ना। हमारे पास अभी आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले ही चंद्रयान आदित्य जो L1 है उसको भी लॉन्च किया है, तो इनको आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा, ठीक है जी। चलो अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी का मतलब पता है क्या है, ये जो किताब इनके ऊपर लिखी हुई है ना बच्चों, ये इन्होंने खुद ने ही लिखी है, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद ही लिखी है, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बताते हुए इन्होंने खुद ही लिखी है, दैट इज़ वाई इसको हम ऑटोबायोग्राफी बोल रहे हैं। अगर किसी और ने लिखी होती इनकी लाइफ पे तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं, समझ गए, उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, आ जाओ जी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द बुक टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, इसका नाम है सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ठीक है ना, पॉलिटिकल किताब है बट बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। विद विच ऑफ द फॉलोइंग शिवराज सिंह चौहान ने इनको लॉन्च करा है, किनके साथ, शिवराज सिंह चौहान के साथ एक और व्यक्ति थे, इनका नाम है अनुराग ठाकुर, अगेन हमारे यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, आ जाओ। द बुक टाइटल वेस्टर्न लेन हैज़ बिन रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग, एक बुक है इसका टाइटल क्या है भाई, टाइटल है इसका वेस्टर्न लेन, ये इनमें से किसने लिखी है ये हमसे पूछ रहा है। बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, याद रखना, बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आप लोगों के पास, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसके ऊपर आप लोगों को खासा ध्यान देना है, अप्रोच मैं बताता रहता हूँ, आप खुद भी इस इंफॉर्मेशन को निकाल के गूगल से चीज़ों को इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलो, वेस्टर्न लेन नाम है इस किताब का, चेतना मारू इसके ऑथर है, मैं आपको बता दूँ ये एक ब्रिटिश इंडियन ऑथर है, और एक बात और जान लो शायद आपको याद रह जाए, इस मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ इसे शायद आपको नाम याद रह जाए भाई, बड़ी टैलेंटेड है, ठीक है जी। पहले ही इनका ये जो नॉवल है ना, इनका पहला नॉवल है वेस्टर्न लेन्स, और पूरे रीडिंग कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग हैं पढ़ने वाले और जो भी इंस्टीट्यूशन है बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं इनकी, ठीक है ना। तो इनका ये जो है ये डेब्यू नॉवल है, ठीक है जी, डेब्यू नॉवल है इनका, याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन, स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टैटिक जी का हम लोग शुरू कर रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड आर रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म सभा, विच वॉज लेटर नोन एज ब्रह्म सभा विच वॉज लेटर नोन एज, इसका आंसर मुझे बता सकते हैं आप लोग, आई थिंक इसका आंसर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको बोला जाता है। क्वेश्चन ना मैं आपको बता दूँ, ब्रह्म सभा इन्होंने शुरू करी थी, जो कि बाद में चल के हमारे पास ब्रह्म समाज का इसने नाम ले लिया,
ब्रह्म समाज के नाम से काफी ये फेमस हुई। ठीक है जी, ठीक है। इसका आंसर काफी बच्चे आर्य समाज दे रहे हैं, बी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर डी है। ठीक है जी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज के अंदर। इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन। भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, मैं आपको बता दूँ, अ स्कूल फॉर गर्ल्स, एक स्कूल स्थापित किया लड़कियों के लिए। उस समय के अंदर लड़कियों के लिए स्कूल इतने ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप था ये उन्होंने जो लिया, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये भारत में फर्स्ट थे ऐसा करने वाले, लेकिन उस टाइम पे फिर भी बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप अ स्कूल फॉर गर्ल्स एट, कहाँ पे? मैं आपको बता दूँ, इन्होंने कैलकटा, कैलकटा के अंदर स्कूल सेटअप करा था गर्ल्स के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये वो व्यक्ति हैं जिसने दुनिया को बताया, जिन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे पास जो प्लांट्स, पेड़ पौधे भी होते हैं ना, वो भी लिविंग बींग हैं, वो भी सांस लेते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट लो, आई थिंक ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेने में कृपया आप लोग बड़ी फुर्ती दिखाएं और ये क्वेश्चंस अपने पास रखें। ठीक है जी, बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोज़ एक रेगुलर इंटरवल पे भी देखोगे आप लोग तो ये चीज़ें, क्वेश्चंस आपके विजुअल मेमोरी में चला जाएगा। विजुअल मेमोरी में चला गया इसका मतलब भूलना बड़ा मुश्किल है। हमारे दिमाग की खासियत है कि देखी हुई चीज़ों को वो आसानी से नहीं भूलता है, तो प्लीज़ इस खासियत का इस्तेमाल कीजिए और अपने नंबर बढ़ाइए अपने स्कोर, अपने CVT एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबाई फुले राइट गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी। ज्योतिबाई फुले जो हैं हमारे पास, ज्योतिबाई फुले जो है, इनका बहुत ही फेमस वर्क है ये, ठीक है ना। इन्होंने लिखा था, ये है गुलामगिरी 1873 में। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, कौन सी लैंग्वेज में? आपको बता दूँ, मराठी। खुद भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी ज्योतिबाई फुले, और इन्होंने मराठी के अंदर ही अपना फेमस जो काम है गुलामगिरी, ये इन्होंने लिखा था। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडिया ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। भाई मैं आपको बता दूँ, रामकृष्ण मिशन ये भी एक संगठन था, ठीक है ना, और अभी भी है। मैं आपको बता दूँ, अभी भी है, जो कि किस आइडिया पर स्ट्रेस करते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर सोशल सर्विस से, समाज सेवा से और सेल्फलेस एक्शन, यानी कि काम इस तरीके से करो कि उसमें हमारा कुछ ना हो, हम बस समाज के लिए, दूसरों के लिए कर रहे हैं। सेल्फलेस एक्शन, खुद को हटाओ और बाकियों के लिए काम करो, इस तरीके के एक्शन से और सोशल सर्विस से क्या पा सकते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या पा सकते हैं इन दोनों से? इनसे आप पा सकते हैं सेल्वेशन, यानी कि मोक्ष, मोक्ष पा सकते हैं। इससे आप क्या पा सकते हैं? मोक्ष पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रामकृष्ण मिशन जो है, ठीक है ना, आप लोगों के पास इस तरीके के, आप इतने अच्छे लेवल पे चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, दिल्ली और पूरे भारत भर के बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि आपको इस तरीके की चीज़ें भी पता हो, ठीक है ना। अलग अलग संगठन जो है, उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना हम लोगों को अनिवार्य है। समझ गए जी, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। Which of the following parties supported the move for partition of Bengal? आप सभी जानते हैं हमारे पास भारत के अंदर partition of Bengal, बंगाल के partition की बात हुई थी, ठीक है। कौन सी इनमें से parties थी जिन्होंने partition of Bengal को support करा था? Partition of Bengal को किसने support करा था? बहुत ही गलत decision था, मैं बता दूँ, बाद में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं बाद में बांग्लादेश बन गया, पर ये उसकी 1971 वाली बात नहीं है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स के अंडर की बात है, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये वाला ब्रिटिशर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में ये रिवर्स कर लिया गया था, ये बेसिकली डिसीजन को वापस ले लिया गया था, ठीक है जी। अच्छा, कौन सी पार्टीज ने जिन्होंने सपोर्ट करा था? ऑब्वियसली ब्रिटिश तो सपोर्ट कर ही रहे थे, पर हमारे पास एक पार्टी थी, दैट इज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक पार्टी थी, ठीक है जी, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है ना। काफ़ी पार्टीज ने मना करा था और इसके अगेंस्ट थी, पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इसके समर्थन में थी। समझ गए जी,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1906, ठीक है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 1906 1906 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। कहाँ पे, कौन सी जगह पर हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जगह का नाम है ढाका। आज ढाका कहाँ है भाई, बांग्लादेश के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है जी। उस समय जो है वो बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं था, उस समय ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, सब कुछ इंडिया था, ठीक है जी। चलो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम लोगों ने इस पे बात कर ली, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, द डैश ऑफ इंडिया लेज डाउन द बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। भाई आप जानते हैं भारत के अंदर बड़े सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो वो, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो वो, किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर तरीके से वो काम करता है। हमारे पास गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जिम्मेदारी उनको देते हैं। RBI भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं उनका बेसिक पावर्स, उनकी क्या क्या पावर है, अथॉरिटी, और उनका क्या क्या फंक्शन है, ये कहाँ पर दिया गया है, ये कहाँ पर इनके लिए जो रूल्स हैं वो ले डाउन किए गए हैं, वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। इसको आप लोग याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, किस किस तरीके से, और एग्जाम्पल भी दिए ताकि आप लोगों को याद हो सके, ठीक है जी। और मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी के अंदर, आपके पास संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास बन जाते हैं। इवन आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठ के ही आते हैं। आपके पास इंडियन पीनल कोड से कभी भी आपके पास आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल आपके पास हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आता है, ठीक है जी। चलो, आई थिंक आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा। सभी जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं इस तरीके के सेशंस हम लोग अभी बिल्कुल भी रोकने के मूड में नहीं हैं, ठीक है ना। आप लोगों के जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक हमारे ये सेशंस चलते रहेंगे। करंट अफेयर्स और जीके में आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, मैं मेरी टीम के साथ बैठ के आपके एग्ज़ाम को एनालिसिस करके सारे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अलग से भी क्लास होती है जिसके अंदर मैं मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पर रेगुलरली आ रहा है तो आप लोग एग्ज़ाम में फोड़ के आने वाले हो, बिकॉज़ हम बहुत कम समय के अंदर स्मार्ट वर्क को और ज़्यादा अहमियत देते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग लेके आते हैं। क्वेश्चंस आप अपने पास रखिए, पढ़िए और अपने ड्रीम कोर्स एंड कॉलेज का सपना पूरा कीजिए। कुछ ही समय रह गया है बच्चों, कुछ समय बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, IP यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, हर यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास हाथ खोल के खड़ी होगी, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन मांगेगी, दैट इज़ आपका स्कोर बढ़िया हो। तो आई होप आप सभी लोगों का स्कोर बढ़िया आएगा, और अभी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, पढ़ाई करो और अपने स्कोर को जितना बूस्ट कर सकते हो करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, किसी को परेशान मत करना, और प्लीज़ तैयारी बिल्कुल भी ढीली नहीं छोड़नी है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम हायर एजुकेशन।